रत्नों की जानकारी के लिए मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और न्यू वीडियो नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुदवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस नए चैनल में। इस चैनल को मैंने बनाया है सिर्फ और सिर्फ जेम्सस्टोन के लिए। जेम्सस्टोन से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। ये जो चैनल है, इस चैनल में आप किसी भी रत्न के बारे में जानकारी ले सकते हैं और वो जो जानकारी होगी, वो जो इन्फॉर्मेशन होगी, वो इतनी बेस्ट होगी कि एक जेमोलॉजिस्ट को जो नॉलेज होती है वो नॉलेज आपको होगी। तो आज जितने भी रत्न होते हैं, जितने भी हम नवरत्नों की बात करते हैं, उन सबके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कितना स्टॉक पहली बात हम लोगों को रखना पड़ता है जेम्सस्टोन सप्लाई करने के लिए, क्योंकि हर वेराइटी का जेम्सस्टोन रखना पड़ता है रत्ती के हिसाब से। 1.25 रत्ती, 1.25, 1.75, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 वेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि रत्न जो है वो रिकमेंड किए जाते हैं रत्ती के अनुसार और उसके अनुसार ही स्टॉक रखना पड़ता है। और किस क्वालिटी के जेम्स स्टोन कुदवाल जेम्स लैब पर मिलते हैं, कुदवाल जेम्स पर उपलब्ध रहते हैं, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो यहां पर सभी रत्न उपलब्ध है। माणक है, यहां पर नीलम है, मोती है, और व्हाइट टोपाज है, पन्ना है, मूंगा है, मूनस्टोन है, और पुखराज है। जितने भी रत्न होते हैं सबकी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं, सबकी मैं आपको आज जानकारी देने जा रहा हूं और कैसी क्वालिटी होनी चाहिए एक रत्न की। मार्केट में भी अगर आप ट्राई करें तो क्वालिटी कैसी होनी चाहिए वो भी मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहां पर स्टार्ट करते हैं पुखराज से। ये जितने भी पुखराज हैं, मान लीजिए कि 100-100 पीस में से एक दो पीस छांटकर अलग निकाले गए हैं और वो ही हाई क्वालिटी सुपर क्वालिटी के जेम्स स्टोन आप तक पहुंचाए जाते हैं। अब किसी भी रत्न को मैं इसमें से उठा लूं, किसी को भी अगर मैं यहां पर उठाकर देखता हूं, तो आपको सबसे पहली चीज बहुत ही क्रिस्टल क्लियर सुपर क्वालिटी का जेम्स स्टोन आपको यहां पर मिलेगा, देखने को मिलेगा। ये देखिए, मैं आपको एक बार डेमो दे देता हूं और लाइटिंग में भी आपको दिखा देता हूं कैसी क्वालिटी इस रत्न की रहेगी। कोई सा भी आप रत्न उठाएं, कोई सा भी पीस उठाएं, उसमें आपको बकायदा ग्लेज मिलेगा, ट्रांसपेरेंसी मिलेगी और जो नेचुरल इफेक्ट होते हैं वो सभी मिलेंगे। और जो भी रत्न यहां से आप तक पहुंचता है वो लैब रिपोर्ट के साथ ही आता है। उस रत्न की परफेक्ट ग्रेविटी मेंशन होती है, उस रत्न का रिफ्लेक्शन इंडेक्स मेंशन होता है, उस रत्न का वेट मेंशन होता है, कौन सी प्रजाति है जो कोरंडम है या कौन सी प्रजाति है वो मेंशन होती है। तो वो सभी चीजें लैब रिपोर्ट में मेंशन होती है। यानी आप इन पीसों में से कोई सा भी पीस उठाएं तो आपको हर पीस दिखेगा कि सब जो पीस है वो सिलेक्टेड पीस है, बेस्ट क्वालिटी के पीस ही यहां पर आपको दिए जा रहे हैं। तो मैं आपको नजदीक से दिखा देता हूं हर क्वालिटी। किसी भी जेम्स स्टोन को आप देखें तो आपको क्वालिटी बहुत अच्छी नजर आएगी, ट्रांसपेरेंसी नजर आएगी। कोई भी जेम्स स्टोन आपको दिखेगा उसमें नेचुरल इफेक्ट भी नजर आएंगे, जो कुदरती इफेक्ट, धरती से जब रत्न निकलता है तो उसमें कुछ ना कुछ कुदरती इफेक्ट्स होते हैं, कुछ मान लीजिए रेशे, बादल जैसी संरचना जो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर और ज्यादा क्लियर नजर आती है, वो सभी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेगी। इसी तरह से ये मून स्टोन है, चंद्रमणि से कहते हैं, चंद्रदेव का यह रत्न है और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का रत्न है। आप देखिए इसकी क्वालिटी, हर एंगल से आप इसे देखेंगे तो सुपर क्वालिटी ही है, ये बेस्ट क्वालिटी ही है। तो साफ दिखेगा कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी है नीलम की भी, और रोशनी में, धूप में देखने पर और आपको इसके अंदर जो ग्लेज है, ट्रांसपेरेंसी है, वो सारी चीजें आपको इसमें नजर आने लग जाएगी। और कोई भी पीस उठा लीजिए आप, किसी भी सिंगल पीस को भी आप, सभी जो पीस हैं वो आपको बेस्ट क्वालिटी के ही मिलेंगे। किसी भी तरह का कोई भी डैमेज या कुछ भी आपको किसी भी पीस में नहीं नजर आएगा, मतलब जो भी पीस आपको दिया जाता है वो सुपर क्वालिटी का ही दिया जाता है। माणक की बात करें, सभी आपको दिखेंगे बहुत ही हाई क्वालिटी, बहुत ही सुपर क्वालिटी के ये रत्न है। या ये देख लीजिए, ये मैं बता रहा हूं, अगर आप 100 पीस देखेंगे तो उसमें से अगर एक पीस आप सेलेक्ट करेंगे वो वाली क्वालिटी है, सुपर क्वालिटी है, जिसमें आपको ग्लेज मिलेगा, ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, कलर शेड मिलेगा, दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। जब आप इसकी रिंग बनवाएंगे तो आप खुद इस चीज को आप महसूस करेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल आपकी रिंग बनने जा रही है। इसके बाद ये मोती है, मोती भी सिलेक्टेड मोती है। एक मैं आपको सिंपल सा उदाहरण दे दूं कि 100-200 मोती में से एक मोती सेलेक्ट किया जाता है, अलग किया जाता है, जिसकी शेप बेहतरीन हो, आकार बेहतरीन हो, किसी तरह का डैमेज ना हो उस मोती के ऊपर, किसी तरह का मतलब मार्क ना हो। नेचुरल जो है इफेक्ट्स वो तो जरूर नजर आएंगे, लेकिन किसी तरह का डैमेज ना हो उसके ऊपर। फिर उसकी बाद हम बात करते हैं यहां पर व्हाइट टोपाज। व्हाइट टोपाज भी बहुत क्वालिटी के आते हैं, लेकिन आपको जो व्हाइट टोपाज मिलेगा बहुत ही अच्छा क्वालिटी का, ट्रांसपेरेंट, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का मिलेगा। देखिए, आप खुद इसको देखकर पता कर सकते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नजर आएगी, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल रिंग बनने के बाद भी बहुत अच्छा रत्न दिखेगा। रिजल्ट्स तो पावरफुल हैं, क्योंकि ये जितने भी रत्न हैं, जितने भी यहां रत्न पड़े हैं, वो सब ही A to Z नेचुरल है, 100% नेचुरल।
फिर हम बात करते हैं यहाँ पर पन्ना रत्न की। पन्ना रत्न में देखिए बहुत वैरायटी आती है, जिसने पन्ने को समझ लिया वो सभी रत्नों को समझ जाएगा। इसमें भी कोशिश करते हैं हम लोग कि बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी ही दें। देखिए पन्ना जो रत्न है, इस पे एक चीज मैं बता दूं आपको, ये जो ब्लैक स्पॉट दिख रहा है ये रत्नों में मौजूद रहता है, मिलता ही मिलता है। कारण ये क्योंकि जो पन्ना रत्न है वो ब्लैक माइका में चलता है, ब्लैक माइका की जो वेन्स होती है उसमें यह चलता है। तो आपको ये जो पन्ना है, इस पन्ने में कहीं ना कहीं आपको ब्लैक स्पॉट ये सब चीजें नजर आएगी, लेकिन कलर शेड, ट्रांसपेरेंसी, ग्लेज, ये सारी चीजें आपको बेस्ट क्वालिटी की ही दी जाती है, सुपर क्वालिटी की ही दी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर ओपल भी आपको जो दिया जाता है, सिलेक्टेड पीस होते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल, आपको कुदरती संरचना है तो सब में नजर आएगी, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल, अच्छा कलर, अच्छा शेड और ट्रांसपेरेंसी भी आपको इसके अंदर नजर आएगी। धूप में जैसे ही आप इसे देखेंगे, रोशनी में जैसे ही आप देखेंगे तो आपको साफ नजर आ जाएगी कि इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी है। इसके बाद मूंगा है, इसे अलग रखते हैं दूसरे रत्नों से, क्योंकि ये इन रत्नों में अगर ऑयल लग भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पन्ने को तो ऑयल में रखना ही पड़ता है, पन्ना रत्न ऐसा रत्न है जिसे ऑयल में रखा जाता है, नहीं तो फट जाता है वो। और ओपल भी रत्न ऐसा है जिसे ऑयल में रखा जाता है, नहीं तो फट जाएगा वो, इस कारण। और रिंग बनने के बाद ये प्रॉब्लम नहीं रहती है, रिंग बनने के बाद क्योंकि वो फिक्स हो जाता है, चारों तरफ से जकड़ लिया जाता है, तो फिर वो प्रॉब्लम इसमें नहीं रहती है। मूंगे को थोड़ा सा अलग रखते हैं, मूंगे की भी मैं आपको बता दूं सुपर क्वालिटी मूंगा ही देते हैं, हल्का मूंगा देते ही नहीं है, और इटालियन मूंगा है ये, बिल्कुल मतलब बेस्ट क्वालिटी का। एक भी पीस ऐसा नहीं होगा जिस पीस के अंदर आपको कोई दाग नजर आ जाए, जिस पीस के अंदर आपको हल्का सा भी कोई निशान नजर आ जाए, ऐसा एक भी पीस नहीं होगा। और कलर शीट क्वालिटी सब बिल्कुल बेहतरीन दी जाती है, किसी भी पीस को उठा लें, किसी भी पीस को आप देख लें, हर एंगल से बेस्ट क्वालिटी का ही पीस दिया जाता है। नेचुरल जो इफेक्ट्स हैं वो तो जरूर नजर आएंगे रत्न में, उस चीज को तो खैर अवॉइड करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो ही उस कुदरती रत्न की पहचान होती है। हम भी जब सूक्ष्मदर्शी से किसी रत्न को देखते हैं तो उसमें यही चीज देखते हैं कि उसके अंदर क्वालिटी वाइज अंदर नेचुरल इफेक्ट्स होते हैं, उससे उसकी पकड़ की जाती है कि ये नेचुरल है। तो इस तरह से मैंने आपको डेमो दे दिया है कि कौन कौन से रत्न कितनी क्वांटिटी में, एक एक रत्न की मैं बात करूं तो कम से कम 5-5, 10-10 हजार पीस स्टॉक में रखने पड़ते हैं, तब जाकर जो एक रेंज है वो तैयार होती है कि भाई 5 रत्ती 6 रत्ती 7 रत्ती 8 रत्ती 7-8 रत्ती 7-9 रत्ती, वो जितने भी रत्न है वो आप तक सही समय पर डिलीवर हो जाए, सही समय पर आप तक पहुंच जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो जो मैंने जेम्सस्टोन से रिलेटेड दी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जिससे उन लोगों को भी सही रत्न सही रेट में मिले। मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि मैं जिस रेट में आप लोगों को जेम्सस्टोन दे रहा हूं, उस रेट में आपको पूरे इंडिया में आप ट्राई कर लीजिएगा, वो नहीं मिलने वाले। देखिए क्या इसके पीछे का लॉजिक भी है, रत्न जो है वो मैन्युफैक्चरिंग होता है, यानी कि रफ परचेज की जाती है, फिर एक मजदूर उसे बनाता है, उसकी कटिंग करता है, उसके बाद वो एक होलसेलर के पास जाता है, उसके बाद वो जाता है वहां से होलसेलर से बड़े व्यापारी, जो शहर के बड़े व्यापारी होते हैं वो उन रत्नों को खरीदते हैं, फिर उसके बाद वहां से छोटे छोटे रिटेलर तक, दुकान तक जेम्सस्टोन जाते हैं, फिर एक ज्योतिष तक जाते हैं और फिर कस्टमर तक जाते हैं। तो इस पूरी चैन की अगर मैं बात करूं तो रत्न में काफी वेरिएशन आ जाते हैं रेट के अंदर। यहां पर हम लोग खुद रफ स्टोन परचेज करते हैं, खुद रफ परचेस करने के बाद लेबर से उसकी मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं और डायरेक्ट आप तक पहुंचा देते हैं। तो बीच का जो सिस्टम है, बीच का ये जितना भी नेटवर्क है, ये सब कम होने के कारण एक मिनिमम मार्जिन पर, एक बहुत ही कम मार्जिन पर रत्न आप तक पहुंचा दिए जाते हैं, जिससे अच्छी गुणवत्ता वाला रत्न, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वालिटी वाला रत्न आप तक पहुंच सके, और साथ साथ में जो रत्न आप तक पहुंचे उसकी कॉस्टिंग भी बहुत कम हो। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिससे उन तक भी अच्छी क्वालिटी का रत्न पहुंच सके, लैब रिपोर्ट के साथ पहुंच सके, लैबोरेटरी रिपोर्ट साथ में मिलेगी हर रत्न के, और रत्न जो है वो सुपर क्वालिटी का है, इफेक्टिव है, उनको इसके 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। नए व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। ओके, थैंक यू।